कल तेजस्वी जी का जो ये था इफ्तार पार्टी उसमें चिराग आए थे, हमको ऐसा लगा था और वो नीतीश जी को पैर छू के प्रणाम किए थे, तो हमको ऐसा लगा कि भाजपा के साथ थे, भाजपा में जो टर्म कंडीशन चाहते थे लगता है उनको न मिला, तब यहाँ पर आए। वैसे परिस्थिति हमारे नेता हमारे गठबंधन पर है, सात पार्टी के गठबंधन है, सातों का कमेटी है, वो कमेटी बैठती है, आपस में विचार करती है और राय लेती है कि क्या होना चाहिए। अगर सबके राय होगा तो हम व्यक्तिगत रूप में कहना चाहते हैं कि अगर आवे तो हम स्वागत करेंगे व्यक्तिगत रूप में, लेकिन ये गठबंधन पर निर्भर करता है कि गठबंधन की कमेटी क्या चाहिए। क्या गठबंधन मजबूत होगा? गठबंधन तो मजबूत होगा निश्चित, क्योंकि अगर ये निश्चित है कि चिराग के पास शेड्यूल कास्ट का एक, जीतन मांझी के पास एक, तो दो भाग मिल सकता है, तीन भाग सबसे ज़्यादा है, एक मायावती जी का है, मायावती जी का लोग मिला करके, जीतन मांझी मिला के, चिराग मिला करके, समूचा दलित एक साथ में रहेगा, समूचा बैकवर्ड एक होगा, और फिर जीत के संभावना तो हम समझते हैं कि एक गुना नहीं 10 गुना आगे बढ़ेगा, मजबूती बहुत बनी है। ठीक सर, काट लिया नीतीश कुमार, इससे विकास कम जी हुआ। जब हम मुख्यमंत्री थे तो जहानाबाद और गया के लिए विशेष पैकेज बनाया था 300 करोड़ रुपये का, तो जहानाबाद में जो सुनील जी या क्या व्यापार है उनको भी पूछ लीजिएगा, जितने लोग जानते हैं वो पैसा जो विभिन्न भागों में जाना था उसको काट दिया। जैसे उदाहरण हम 700 करोड़ रुपया हम गया के फल्गू नदी उसमें बांध करके, तो वहाँ से सोन से पानी बनाना चाहता था और बांध करके दोनों तरफ रोड बनाना चाहता था और उसको काट दिया और काट करके दूसरा काम बनाया। उसी प्रकार से यहाँ भी कई काम है उसको करके दूसरा डाइवर्ट करते हैं। सर हमारा जैसे अभी आपको कहा कि बराबर का बांध बराबर का काम, हम 71-13 करोड़ में वहाँ रूप भी लगा दिया उसको उन्होंने काट दिया, अब उसी चीज़ को 22 करोड़ में बन गया। तो इसी तरह से कई काम जो हम कहा था उसको काट करके फिर उसमें से कुछ बना रहे हैं, क्योंकि इतना उपयोगी था उनको बनाना ही था, लेकिन अब वही है कि जितना उसमें पैसा लगता है उसका 4 गुना पैसा लगता है। सर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।